हाय वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वैल्यू विद ज्योतनील। सो आज है संडे और संडे को आता है जोजो की रसोई का दिन। तो आज जोजो की रसोई से क्या आ रहा है, आज बन रहा है एक स्नैक जो कि है क्रिस्पी चाप, क्रिस्पी सोया चाप। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इजी एंड वेरी क्विक एंड इट्स रियली डिलीशियस। ये बेस्ट है आपकी स्नैक पार्टी के लिए या फिर अगर आप कोई कॉकटेल पार्टी कर रहे हैं और आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि वेजिटेरियन है तो आप ये स्नैक उनको सर्व कर सकते हैं। सो रेसिपी देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सोया चाप जो कि ऐसी होती है, ये कलर में भी आती है इस तरीके से और ये ऐसे प्लेन भी आती है। तो मैंने इसके अंदर एक स्टिक होती है, मैं दिखा देती हूँ, ये स्टिक के ऊपर ऐसे रोल किया हुआ होता है सोया चाप को। इसकी आप स्टिक निकाल सकते हैं और अपनी डिज़ायर बाइट के हिसाब से काट सकते हैं। अगर आप बड़ी बाइट खाते हैं तो आप बड़े स्लाइसेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से। मैंने दोनों कलर इसलिए लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मार्केट में ये भी मिलती है, ये सॉफ्ट है, सी आपको ये सॉफ्ट वाली ही लेनी है। यहाँ पर ले लिए कढ़ाई जो कि गर्म हो चुकी है, उस पर हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है क्योंकि मैं कोई रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है मेरे को, मैंने रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया अपनी किचन से। तो मैं हर चीज़ में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है, आई कम अप विद दैट वीडियो कि क्या रीज़न है। फ़िलहाल हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे। तो अब आप देख रहे हैं इसमें से धुआँ निकल रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी सोया चाप। इनको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो आप देखेंगे कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं इस टाइम पे। अब बस इसको निकाल लेंगे। देखिए हमने इसको इतना क्रिस्पी किया है कि आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। सो हमारे ये सारे रेडी हो चुके हैं, आप देखिए कितने क्रिस्पी हैं, आवाज आ रही है, इतने क्रिस्पी हमें चाहिए थे। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे चाट मसाला या फिर काला मसाला आपको डालना है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल रॉ है। रॉ मतलब इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, अपना खुद का सोया का फ्लेवर है, इसमें नमक मिर्ची कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम चाट मसाला या फिर काला नमक डालेंगे। पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि ये सब चिपक जाए इसके ऊपर। तक ये पाँच मिनट इसको रेस्ट देना है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए नींबू एक पूरा, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, स्लाइस अनियन और थोड़ा सा कैरेट। अगर आपको पसंद है तो हल्का सा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आपको चाहिए होगा स्प्रिंग अनियन, मेरे पास इस टाइम स्प्रिंग अनियन नहीं है बट स्प्रिंग अनियन भी इसमें डलेगा। और आपको चाहिए मोमोज़ की चटनी, मोमोज़ की चटनी अगर आपके पास नहीं है तो आप सेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं, ये भी बेस्ट रहेगी। और आपको चाहिए मेयोनीज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छे से कोई खंजूसी नहीं करनी मेयोनीज़ में, फिर जाएगी इसमें मोमोज की चटनी। अब इसको मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें डाल लेते हैं धनिया, थोड़ा सा भाजन
और नींबू। और इसमें डालेंगे अपने अनियंस, और स्प्रिंग अनियन भी अगर आप डाल रहे हैं तो आप वो भी इसी टाइप पे डालेंगे। बस ये डाल के आपको एक बार और अच्छे से मिक्स लेना है, मिक्स करना है, और आपको डालना है थोड़े से तिल। सी अच्छे से मिक्स करेंगे और बस आप इसको सर्व कर लेते हैं, और कर लेते हैं थोड़ी सी गार्निश। के लिए ऊपर से थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई गाजर, स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, और थोड़े से बचे हुए अनियन रिंग्स। एंड में डालेंगे इसमें थोड़े से तिल। होप यू लाइक द रेसिपी। सो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे उसकी फ़ोटो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव और बताना चाहूँगी। इसमें मैंने सोया चाप को डीप फ्राई किया है। आप अगर चाहें, आपके पास अगर तंदूर है तो आप उसको तंदूर में भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, तो भी इसका टेस्ट वैसे ही आएगा और इनफेक्ट बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास तंदूर नहीं है, ग्रिल नहीं कर सकते हो, आप उसको तंदूर में नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। आई नो इट्स नॉट वेरी हेल्दी, बट ठीक है, कभी कभी टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपके यहाँ कॉकटेल पार्टी है, तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक है वेजिटेरियन गेस्ट के लिए। तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो या ब्लॉग के साथ। एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। सो बाय, टेक केयर विद माई नोट, बी हैप्पी, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी एंड प्राउड टू बी। बाय 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 बाय।